फल के ऊपर स्टिकर क्यों होते हैं? आजकल बाजारों में फल व सब्जियों पर स्टिकर लगे होते हैं, हालांकि सही जानकारी न होने से अधिकांश लोग स्टिकर वाले फल को महंगा समझकर उन्हें नहीं खरीदते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इन विशेष अंक वाले स्टिकरों का संबंध सीधा सेहत से होता है। ये फलों की गुणवत्ता को बयां करते हैं। हर स्टिकर का अलग अलग मतलब होता है। ऐसे में अब अगली बार जाएं तो इन स्टिकर को देखकर खरीदें बेहतर फल। फलों पर एक PLU कोड चिपका होता है। फलों में चिपके कई स्टिकर में उनके दाम एक्सपायरी डेट दर्ज होती है। इसके अलावा इसमें एक PLU यानी कि प्राइस लुकअप कोड होता है। यह कोड फलों की गुणवत्ता को दर्शाता है। PLU कोड में एक विशेष अंक से कोड की शुरुआत होती है। नंबर 1, जैविक रूप से उगाए जाते हैं ये फल। कुछ फलों में 5 अंकों की संख्या वाले स्टिकर लगे होते हैं और उनका कोड 9 अंक से शुरू होती है। जैसे कि जिन स्टिकरों पर 93435 लिखा होता है, तो इसका अर्थ यह है कि ये फल जैविक रूप से उगाए गए हैं, यानी कि नेचुरल रूप से उगाए गए हैं। इसके लिए ये फल भले ही थोड़े कीमती हो, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 2, गैर ऑर्गेनिक फल की कैटेगरी में शामिल। वहीं कुछ फलों में 5 अंकों की संख्या वाले स्टिकर पर कोड 8 अंक से शुरू होता है। जैसे कि इन स्टिकरों पर 84131 लिखा होता है। ऐसे में साफ है कि इन फलों में अनुवांशिक संशोधन किया गया है। इस तरह के फल गैर ऑर्गेनिक फल की कैटेगरी में शामिल होते हैं। नंबर 3, कीटनाशक और रसायनों से तैयार फल। कुछ फलों में 4 अंकों की संख्या वाले स्टिकर लगे होते हैं। इन स्टिकरों पर जैसे कि 4026 लिखा होता है। इसका मतलब साफ है कि इस तरह के फल कीटनाशक और रसायनों द्वारा उगाए गए हैं। इस स्टिकर वाले फल ऑर्गेनिक फलों की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।